रखने वाले बीजेपी नेता के बेटे को थाने से जमानत देकर पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस पर केस को कमजोर करने का आरोप लगा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 और सेक्टर 26 के सीसीटीवी फुटेज आप जो एक मजबूत आधार बन सकते थे, जांच को आगे बढ़ा सकते थे, वो गायब हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर गायब किए गए हैं। वहीं आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि कल तक चेहरा ढककर अपनी आपबीती सुनाने वाली वर्णिका ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया है। वर्णिका ने साफ कह दिया है कि उसे नहीं बल्कि उन्हें शर्म करने की जरूरत है जिन्होंने बेटी बचाओ का नारा देकर महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की। वर्णिका ने इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने की बात कही है। हमारे साथ इस वक्त खुद वर्णिका हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वर्णिका, अब आपने नकाब हटा दिया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ हुआ क्या। आप बीते हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके का खिलवाड़ किया गया। अभी आके आपको पता है कि सीसीटीवी फुटेज तक गायब कर दिए गए जो एक मजबूत आधार आपके केस में बन सकता था। जी, मतलब पूरी कहानी तो सबको पता ही है। बेसिकली उन्होंने मुझे सेक्टर 7 चंडीगढ़ से हाउसिंग बोर्ड चौक तक सारे रास्ते उन लड़कों ने मुझे टेररिज़ किया है और उनकी सिर्फ वो चाहते सिर्फ एक ही चीज थे कि किसी तरह वो मेरी गाड़ी रोके। सारे रास्ते उनकी यही कोशिश थी कि वो मेरी गाड़ी रोक लें किसी तरह। उस रात वर्णिका क्या हुआ वो विस्तार से बताइए। मैं 8 सेक्टर की तरफ से आ रही थी, 7 सेक्टर के अंदर घुसी तो 7 सेक्टर में उन्होंने वो मेरे पीछे से आए और उन्होंने मेरे साथ गाड़ी लगा ली और फिर जैसे ही मैं मुड़ी तो वो साथ मुड़ी और उस टाइम उन्होंने पहली बार अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरफ घुमाई बहुत जोर से ताकि कि मेरे को भी अपनी गाड़ी हिलानी पड़ी जी। और ये उन्होंने शुरू किया, बार बार वो ऐसे करते थे जैसे वो मेरी गाड़ी को टच करेंगे या मेरी गाड़ी को हिट कर देगी उनकी गाड़ी। और ऐसे करते करते रास्ते में उन्होंने कई बार मेरा रास्ता रोका कि अगर मैं मुड़ने की कोशिश करती थी तो उन्होंने मुझे मुड़ने नहीं दिया। दो बार वो उन्होंने मेरा रास्ता बिल्कुल अपनी गाड़ी से ब्लॉक कर दिया कि मैं आगे जा ही नहीं सकती थी। और फिर वो ड्राइवर के साथ जो बैठा था लड़का वो गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी की तरफ आया। पहली बार जब वो आया तो मैं वहां से रिवर्स करके भाग गई और उस टाइम मैंने पुलिस को फोन किया जी। और दूसरी बार उसके बाद भी सारे रास्ते पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कहा रास्ते हाउसिंग बोर्ड चौक तक इन लड़कों ने सारे रास्ते यही कोशिश की कि किसी तरह मेरे को रोक लें, मेरी गाड़ी रोक लें और कि मैं रुक जाऊं। मैं नहीं रुकी, वो शायद मेरी किस्मत थी। और हाउसिंग बोर्ड चौक पे फिर इन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक किया, वो लड़का उतर के काफी तेज मेरी गाड़ी की तरफ आया, बहुत जोर से उसने शीशा पीटा, दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन लॉक था दरवाजा। इतनी देर में पुलिस आई और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और मैं वहां से घर चली गई। वर्णिका, बेखौफ हैं आप, बहुत ही मजबूती से और हिम्मत के साथ आपने सामना किया। अभी तक की पुलिस की जितनी भी कार्रवाई उससे आप संतुष्ट हैं क्योंकि जमानत भी दे दी गई, अब सीसीटीवी फुटेज भी गायब हैं। पुलिस ने आपसे क्या बात की, किस तरीके से कोऑपरेशन की बातें हो रही हैं? अभी मेरी पुलिस से कोई बात नहीं हुई है। सीसीटीवी की फुटेज के बारे में मुझे मीडिया से ही पता चला है और जो अब मुझे नहीं पता गायब हुई है या मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता बट गायब हुई या कैमराज खराब, जो भी स्टेटमेंट है, लेकिन हमें ऑलरेडी ये शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे फादर ने यूटी होम डिपार्टमेंट से ऑलरेडी इसके बारे में अपनी कंसर्न एक्सप्रेस की थी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने उस रात पुलिस को फोन किया था, क्या आपने बोला था, क्या लड़कों ने परेशान किस तरीके से आपको किया? आपने बोला कि आपकी गाड़ी के साथ साथ गाड़ी चला रहे थे, आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे थे। उस गाड़ी में दरअसल कौन कौन लोग थे, उन्होंने कोई ल्यूट कमेंट्स आप पर कैसे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उस समय आप डर गई थी, क्या ऐसा वहां पर हो रहा था? जी,
कमेंट्स तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे शीशे मैंने बंद कर लिए थे, कितने लोग थे, क्या बोल रहे थे, इतना ध्यान दे ही नहीं रही थी कि अगर वो कुछ बोले भी मेरे को नहीं पता अगर उन्होंने कुछ बोला, क्योंकि मुझे कुछ सुना नहीं, मुझे सिर्फ उनके इशारे दिखे जो बार बार मुझे रुकने को बोल रहे थे कि एक बारी रुको रुको रुको, मैं नहीं रुकी। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनकी सारी कोशिश का यही एम था कि वो किसी तरह मेरी गाड़ी रोक ले, उन्होंने सिर्फ यही कोशिश की है कि वो मेरी गाड़ी रोके, मैंने नहीं गाड़ी रोकी, बस वही था। और पुलिस को मैंने जब फोन किया था तो मैंने पुलिस को यही बताया था, मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं या मेरे फादर कौन हैं, और मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़के कौन है, मुझे सिर्फ गाड़ी का नंबर पता था और ये कि मुझे टेररराइज कर रहे हैं, तंग नहीं कर रहे थे, मुझे टेररराइज कर रहे हैं। टेररराइज कर रहे थे, लेकिन ये सब चला वर्णिका कितनी देर तक, इतना डर वर्णिका, ये सब चला कितनी देर तक? और अमूमन बेटे बचाओ की बात की जाती है, महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात की थी, वहां को आपको आसपास नजदीक भी कोई पुलिस फोर्स दिखी, कोई सीसीटीवी फुटेज दिखा या कोई ऐसा शख्स दिखा जिससे आप चीख चिल्लाकर मदद की गुहार लगा सकते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर ले एट रैंडम? जी मतलब ये उन्होंने 7 सेक्टर चंडीगढ़ से शुरू किया और हाउसिंग बोर्ड चौक तक चला, तो ये कुछ 15-20-25 मिनट तक ये चला है, वो उन्होंने मेरा पीछा किया है। और सीसीटीवी वगैरह तो मेरे पास टाइम ही, मतलब मेरी सिर्फ एक ही फोकस था कि मैं उनसे अपनी जान बचा के भागू, सीसीटीवी वगैरह देखने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि अगर है या नहीं है या चल रहा है या जो भी है। नहीं, सेक्टर 7 से सेक्टर 26 तक आपको कोई पुलिस नहीं दिखी? सेक्टर 7 से हाउसिंग बोर्ड चौक तक कोई नहीं था, वहां पर 25 मिनट तक कोई नहीं था, खाली सुनसान सड़क थी, लोग थे, गाड़ियां थी सड़कों पे, और ज्यादातर बीच में मध्य मार्ग से हाउसिंग बोर्ड चौक तक बीच में चंडीगढ़ की सबसे बड़ी जो इंटरसेक्शन है वो आती हैं, बहुत बड़ी ट्रैफिक लाइट्स हैं वहां पे, तो मुझे लगा था वहां पे, क्योंकि ज्यादातर जब भी मैं देखती हूँ तो एक ना एक लाइट पे कम से कम पीसीआर कहीं खड़ी होती है। बिल्कुल सही। तो उस रात, लेकिन मैं 26 सेक्टर से हाउसिंग बोर्ड चौक पहुंची तब तक मुझे कोई पीसीआर नहीं दिखी, लेकिन मैं फोन कर चुकी थी तो इसलिए मुझे भरोसा था कि पुलिस कभी तो पहुंच ही जाएगी। फिर हाउसिंग बोर्ड चौक पे जैसे ही पुलिस बिल्कुल टाइम पे पहुंची, जैसे ही वो मेरी गाड़ी के पास पहुंच चुके थे, वो मेरी गाड़ी का दरवाजा पे मार चुका था, हैंडल खोलने की कोशिश कर चुका था, उस टाइम पे पुलिस पहुंच गई थी, तो मैं बच गई, क्योंकि बस अगर शायद एक मिनट आगे पीछे कुछ होता तो शायद कुछ और हो जाता। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, एक मिनट आगे पीछे की चूक शायद कुछ बहुत कुछ ज्यादा हो सकता था। पुलिस में मामला गया वर्णिका, पुलिस से अभी बात नहीं है जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन पुलिस पर आरोप लग रहा है कि इस केस को कमजोर करने का, आपने खुद नकाब हटा दिया है, आपने बोला है कि आप उस स्टेट से हैं जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, आप इसका मजबूती से सामना कर रही हैं। मेरा सवाल यही है कि इतना प्रेशर आप झेल रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? किस तरह की किस सिचुएशन से आप गुजर रही हैं, वो मानसिक स्थिति क्या है आपकी? देखिए, डर की तो बात ये है कि ये लोग चाहते ही वो थे, इन लड़कों को पूरा भरोसा था कि ये मुझे इतना डरा देंगे कि मैं शायद रुक जाऊंगी या मैं शायद कुछ करने लायक बचूंगी नहीं, और इसीलिए अब डरने का, अगर मैं अब डर गई तो फिर ये लड़के जीत गए, चाहे ये मुझे कुछ नहीं कर सके, लेकिन अगर ऐसे लड़कों को लगता है कि वो कुछ ऐसा थोड़ा सा करेंगे और मैं डर जाऊंगी या उससे कोई और लड़की डर जाएगी, इसीलिए तो ये कोशिश करते हैं, तो डर की तो कोई बात है ही नहीं, अब डर की तो कोई बात बची नहीं है। और मेरे साथ जितना सपोर्ट मुझे फील हो रहा है, जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सारी मीडिया का सपोर्ट है, आई थिंक प्रिटी मच सारे देश का सपोर्ट है मेरे साथ, तो अब डरने का क्या बचा है?
इसीलिए शायद आपने नकाब भी हटा दिया है क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं है। डर और शर्म करें वो जिन्होंने ये हरकत करी है, जैसा कि आपका कहना है। वर्णिका, गाड़ी में जिस समय आपके साथ ये सब हो रहा था, आपको जैसे आप बता रहे हैं आपको टेररराइज किया जा रहा था, उस गाड़ी में भी बीजेपी का झंडा था, गवर्नमेंट भी वहां पर बीजेपी की है। तो मैं वही आपसे जानना चाह रही हूं कि अभी तक इस केस में कोई इतना प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि केस को और कमजोर किया जा रहा है। आपने नकाब हटा दिया, कोई उम्मीद आपको पुलिस से, प्रशासन से कोऑपरेशन की? उम्मीद तो मुझे अभी भी है, अभी तो मतलब अभी तो केस शुरू ही हुआ है, अभी तो 2 दिन हुए हैं और पुलिस ने जब तक मेरी पुलिस से जितनी जमानत तो जमानत तो दे दी पुलिस ने, तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे जी। अब वो पुलिस जैसे काम करती है वो तो मैं उन्हें नहीं बता सकती क्योंकि वो उनका काम है, मैंने कभी ये सब किया नहीं है। मुझे ना लॉज पता है, ना सेक्शंस की वर्डिंग्स पता है, तो मैं नहीं बोल सकती कि वो जमानत दे या ना दे। लेकिन मेरी स्टेटमेंट पुलिस के पास है, अब तो मेरी जो एफआईआर थी वो मीडिया के पास भी है, तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है क्या हुआ था। एंड मुझे अभी भी भरोसा है कि जो सिस्टम हमारे लिए बना है वो हमारे लिए काम करेगा। वर्णिका, आपको पता है कि आप बहुत बहादुर हैं और आप एक इंस्पिरेशन उन महिलाओं के लिए, उन युवतियों के लिए बन गई हैं जिनके साथ इस तरीके की वारदात होती है, लेकिन डर के मारे या लोक लाजवश वो कुछ बोल नहीं पाती, पुलिस के दरवाजे तक नहीं जा पाती हैं। जी हाँ, अब लग रहा है कि ऐसा हो गया है और होपफुली मैं एक्चुअली कुछ असली एक्शन ले पाऊंगी, कोशिश मेरी यही है। वर्णिका, हिम्मत आप बनाए रखिए क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है उन महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए। जैसा कि आपने कहा, आपने पूरी कहानी बताई उस खौफनाक वारदात की, किस तरीके से हिम्मत से आपने उसका सामना करा और अभी नकाब हटाकर पूरे दुनिया के सामने आना और बताना कि डरने की मुझे जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत है जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। आपने एक बहुत ही लंबी लकीर खींची है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।